लाइफ में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने से मिलती है जिसको लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, मैं हूं डॉक्टर शिखा और आज आपके लिए लेकर आई हूं अपने क्लाइंट्स नेहा श्री का डाइट प्लान। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे डीएम्स, बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारी ईमेल्स आई थी कि आप लोगों को स्नेहश्री का डाइट प्लान चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने स्नेहश्री की पिक्चर्स देखी और आप लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि कोई 50 केजी वेट लॉस कैसे कर सकता है इन जस्ट 9 मंथ्स। स्नेहश्री ने कर दिखाया है, अभी भी वो अपनी वेट लॉस जर्नी पर है और अपने आइडियल वेट पर पहुंचेगी, 100% पहुंचेगी। और स्नेहश्री ने स्टार्ट किया था 140 केजी से। बहुत सारे लोग सोच भी नहीं सकते कि 140 केजी अगर किसी का वेट हो तो वो कैसे वेट लॉस करेगा, लेकिन स्नेहश्री ने कर दिखाया। आज वो 90 केजी पर है और अब भी उसकी वेट लॉस जर्नी चल रही है और वो अपने आइडियल वेट पर पहुंच कर रहेगी। हेलो, माय नेम इज स्नेहश्री and right now I am under the diet program of Dr. Shikha Singh. I am very happy and proud to share with you guys that I have lost almost 50 kgs in a span of 9 months, which was literally unbelievable for me, even for my family members. None of my family members or myself ever believed that I could ever lose weight, because weight has been actually a hereditary problem in my family, and along with that I am a very big foodie, so it was nearly impossible for me to stay away from food. Also, I have been a chubby child since my class 4th and 5th, but I gained a lot of weight since 2011-12, and then I gained the weight extremely during the year of 2015-16, when I was diagnosed with PCOD. So those of you who know about PCOD, you must be knowing that along with PCOD, it is very, very difficult to lose weight. But even with that, under the guidance of Dr. Shikha Singh, it was actually possible for me to lose weight. I had actually struggled with many diet plans before Dr. Shikha came, and those were a failure because the plans were very strict, and as I have said already that it is nearly impossible for me to stay away from tasty and good food. But the most beautiful thing about Dr. Shikha Singh's diet that you can eat tasty food and healthy food and you can lose weight very easily. So I am very, very grateful, and thanks a lot to you, ma'am, a lot from me and my family members. I won't be able to express how grateful I am for the motivation, for the belief you have shown in myself, because I was totally in zero confidence in my life. I had stopped socializing, I had stopped meeting with people. That was a very, very struggle phase of my life when I was very obese. So thanks a lot, ma'am. Thank you a lot for believing in me and making me believe that yes, I can lose weight, and I did it. तो देखा आपने स्नेहश्री का कॉन्फिडेंस। स्नेहश्री जब मेरे पास आई थी तो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था स्नेहश्री के अंदर। वो बिल्कुल ये ही सोचती थी कि वो वेट लॉस नहीं कर पाएंगी, लेकिन धीरे धीरे करते करते जैसे जैसे स्नेहश्री का वेट लॉस होता गया तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता गया कि वो कर सकती है, और आज वो बिल्कुल तैयार है अपने आइडियल वेट पर पहुंचने के लिए। अगर आपको लोगों से रिस्पेक्ट चाहिए ना, तो सबसे पहले खुद को रिस्पेक्ट देना स्टार्ट करो। खुद को टाइम दो, खुद को वैल्यू दो, खुद को इंपॉर्टेंस दो, तभी पूरी दुनिया आपको इंपॉर्टेंस देगी। क्या आप पूरी दुनिया को बदल सकते हो, लोगों को बदल सकते हो? नहीं ना, खुद को बदल सकते हो। तो खुद को बदलो, अपने आप को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दो। स्नेहश्री को पीसीओडी की प्रॉब्लम भी है। बहुत सारी लड़कियां यहां पर सोचती हैं कि पीसीओडी अगर हो गया तो वेट लॉस नहीं हो सकता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
आपके सामने लाइव एग्जाम्पल है स्नेहश्री, जिसने पीसीओडी के बाद भी अपना वेट लॉस किया है और बहुत अच्छी डाइट खाते खाते, बहुत टेस्टी खाना खाते खाते अपना वेट लॉस किया है और जीरो कॉन्फिडेंस से स्टार्ट किया था और आज देखिए इतनी कॉन्फिडेंट है कि खुद बोल रही है कि मैं अपने आइडियल वेट पर पहुंच कर रहूंगी। जब कोई 140 kg का होता है ना और बहुत ज्यादा ओवरवेट होता है तो सिर्फ वही समझ सकता है कि उसके अंदर की फीलिंग्स क्या हैं। लोगों का एक छोटा सा मजाक होता है उनके ऊपर, लेकिन उनके लिए वो एक बहुत बड़ी बात होती है। लोगों के सामने शायद वो हंसे, उस मजाक को सीरियसली ना ले, लेकिन घंटों तक अकेले घर पे बैठकर वो उसी चीज के बारे में सोचते रहते हैं। इस चीज को मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ क्योंकि मैं भी कभी 110 kg की थी। मैंने अपना 50 kg वेट लॉस किया है और जब हम ओवरवेट होते हैं ना तो लोगों के कमेंट्स, लोगों का मजाक हम बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। जब हमें अपने पसंद के कपड़े फिट नहीं आते, लोग हमारे ऊपर कमेंट्स करते हैं और हमें सोशलाइज करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पिक्चर्स क्लिक करवाना नहीं अच्छा लगता, पिक्चर्स में लोगों के पीछे छुपते हैं, मिरर में अपने आप को देखना अच्छा नहीं लगता, वो जो सिचुएशन होती है ना वो बहुत बुरी होती है। लेकिन आप अपने आप को उससे बाहर निकाल सकते हो। जब मैं ये कर सकती हूँ, स्नेहश्री कर सकती है, तो आप भी कर सकते हो, 100% कर सकते हो। मेरा ये डाइट प्लान फॉलो करिए और इसमें आपको सारी की सारी रेसिपीज मैं बनाकर दिखाऊंगी। सारी की सारी बहुत ज्यादा टेस्टी हैं, आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा आप डाइट पर हो और साथ ही साथ में आपका वेट लॉस भी हो जाएगा। तो शुरू करते हैं स्नेहश्री का डाइट प्लान। जब भी मेरे पास कोई क्लाइंट आता है तो सबसे पहली चीज मैं देती हूँ उसको कॉन्फिडेंस, उसके अंदर बिलीफ कि वो कर सकता है। और यही मैंने स्नेहश्री के साथ किया था। उसको बहुत ज्यादा जरूरत थी कॉन्फिडेंस की जो मैंने उसे दिया। उसे मैंने ये विश्वास दिलाया कि वो कर सकती है और देखिए उसने कर दिखाया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने उसको बताई और आज आपको भी इस डाइट प्लान के साथ बता रही हूँ, वो है मेरे 5 golden rules, जो मेरे किसी भी डाइट प्लान के साथ अगर आप फॉलो करते हो ना तो डाइट प्लान के जो रिजल्ट है ना वो बहुत ही अमेजिंग आएंगे। सबसे पहली चीज ये है कि आपको 7 से 8 घंटे की नींद लेनी ही लेनी है। कोशिश करनी है कि आप 10 से 11 बजे तक सो जाएं और सुबह आप 6-7 बजे उठें। पूरे दिन में एटलीस्ट 3 से 3.5 लीटर पानी आपने जरूर पीना है। कोशिश करिए कि आप अपने फोन में अलार्म्स लगा लें ताकि आप भूलें ना। नेक्स्ट चीज ये कि डेली आपने अपना वेट चेक करना है ताकि आपको पता लगे कि डाइट प्लान आप पर किस तरीके से काम कर रहा है। ऐसा हो सकता है कि किसी दिन आपने बहुत अच्छे से डाइट फॉलो करा है लेकिन तब भी नेक्स्ट डे आपका वेट थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, अगले दिन भी आपने डाइट फॉलो करनी है। 2 से 3 दिन के अंदर वापस आपका वेट नीचे आएगा, तो डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना। नेक्स्ट चीज ये कि अपना जो स्ट्रेस है आपने उसको मैनेज करना है। स्ट्रेस आजकल सबकी लाइफ में है, कोई भी इंसान बिना स्ट्रेस के नहीं है, लेकिन कोशिश करनी है कि उसको मिनिमल रखना है और उसको मैनेज करते रहना है। नेक्स्ट एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने अपना डिनर 7 बजे के पहले खत्म कर लेना है और 7 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको अपना डिनर जल्दी फिनिश करना है, तभी जो आपका वेट लॉस है वो बहुत ज्यादा फास्ट और इफेक्टिव होगा। शुरू करते हैं स्नेहश्री का डाइट प्लान। आपने कोशिश करनी है कि रात को 10:30 आप सो जाएं, सुबह आप 6-6:30 बजे उठें, उठकर अपना वॉशरूम यूज करें और उसके बाद सबसे पहली चीज अपना वेट चेक करें। आप अपने वेट को एक डायरी में नोट डाउन करते रहें ताकि आपके पास एक रिकॉर्ड रहे कि आपका कितना कितना वेट लॉस हो रहा है और इससे आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन भी मिलेगी। उसके बाद बात कर लेते हैं अपनी मॉर्निंग ड्रिंक की। एक ऐसी मॉर्निंग ड्रिंक जिसने स्नेहश्री को बहुत ज्यादा बेनिफिट दिया है उसके पीसीओडी में, वेट लॉस करने में और इंच लॉस करने में, वो है हमारी सिनेमन टी। कैसे बनानी है उसको, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। के लिए मैंने यहाँ पे रख लिया है गैस पर एक पैन, उसको गरम कर लिया है मैंने। एक ग्लास पानी मैं यहाँ पे ले रही हूँ और उसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 2 सिनेमन की स्टिक्स, दालचीनी की स्टिक्स डाल रही हूँ मैं यहाँ पे और इसको ढककर मैं रख दूंगी जब तक ये बॉयल नहीं हो जाता। अब ये लिड हटा रही हूँ, देखिए पानी बॉयल होने लग गया है यहाँ पे, सारा का सारा सिनेमन का एक्सट्रैक्ट आ गया है इसमें। गैस बंद करके इसको 5 मिनट तक ढक के रख दिया है मैंने। पानी यहाँ पे थोड़ा सा ल्यूक वॉर्म हो गया है, अब ये पानी मैं ग्लास में ट्रांसफर कर रही हूँ। बस इसमें हम एक आधा लेमन स्क्वीज कर देंगे और ये बिल्कुल रेडी है। तो ये हमारी मॉर्निंग ड्रिंक सिनेमन टी,
इसको आपने लेना है अराउंड 7:30 के आसपास, और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना क्योंकि ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करके रखेगी और हमारे वेट लॉस को जो है वो बहुत ज्यादा फास्ट करवाएगी, हमें इंच लॉस करने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। पूरे दिन में इसकी वजह से हमें भूख कम लगेगी, इसकी वजह से हमारा वेट लॉस जो है वो बहुत फास्ट होगा, और इसके अंदर होते हैं बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स जो हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, तो इसको आपने जरूर लेना है। उसके बाद बात कर लेते हैं अपने ब्रेकफास्ट की, जो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अराउंड 8:30 के आसपास आप अपना ब्रेकफास्ट जरूर ले लीजिए, और ब्रेकफास्ट में मोस्ट कॉमनली जो मैंने स्नेहश्री को दिया था, चलिए चलते हैं मेरे किचन में और देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे फाइनली चॉप्ड पत्ता गोभी यानी कि कैबेज ले ली है। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ चॉप्ड कैरेट यानी कि गाजर, चॉप्ड स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स, आप यहाँ पे नॉर्मल अनियन यानी प्याज भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ फाइनली चॉप्ड पोटैटो यानी कि आलू। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ अराउंड 2 टेबलस्पून लो फैट कर्ड यानी कि घर की जमी हुई दही। अब थोड़ा सा बेसन डाल रही हूँ यहाँ पे मैं, अराउंड 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे ग्राम फ्लावर डाला है, और थोड़ा सा सॉल्ट यानी कि नमक। अब इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। आपके घर में जो भी वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं आप इसमें यूज कर सकते हो, लेकिन कोशिश करिए कि जो सब्जियां हैं वो बहुत ही फाइनली चॉप्ड होनी चाहिए। इसमें जो हमने बेसन यूज करा है वो बाइंडिंग का काम करेगा और सारी की सारी सब्जियों को आपस में बाइंड करेगा। अब ये सारी चीजें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं, हमें इसे कुक करना है। अब एक पैन को हमने हीट कर लिया है, इसके ऊपर बहुत थोड़ा सा मैं ऑयल डाल रही हूँ, इसको स्प्रेड कर देंगे हम। अब ये जो हमने अपना मिक्सचर बनाया है इसको मैं पैन के अंदर डाल दूंगी, इसको हम स्प्रेड कर देंगे बिल्कुल एक चीले की तरह। बहुत अच्छे से हमने इसको स्प्रेड कर दिया है पूरे पैन के ऊपर। अब इसको हम लिड से कवर करके कुक कर लेंगे। लिड हटाकर चेक कर लेते हैं, इसको हम फ्लिप कर देंगे बहुत केयरफुली। ये एक साइड से बहुत अच्छे से कुक हो गया है, इसको दूसरे साइड से भी हम अच्छे से कुक कर लेंगे। अब ये दोनों साइड से बहुत अच्छे से कुक हो गया है, सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो ये हमारी सुपर इजी, सुपर क्विक, सुपर टेस्टी रेसिपी बनकर बिल्कुल तैयार है। ये प्रोटीन और फाइबर रिच है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने वाली है आपको, बहुत फिलिंग है ये, इसको आप ज़रूर ट्राई करना। अगर आप अपना वेट लॉस कर रहे हो तो आप इसको अपने ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर तीनों में से किसी भी मील में ले सकते हैं, और ये आपको अमेजिंग वेट लॉस देगी, बहुत देर तक आपको फुल रखेगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने वाली है आपको, बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस है क्योंकि इसके अंदर हमने बहुत सारी वेजिटेबल्स का यूज़ किया है, और प्रोटीन रिच है क्योंकि इसके अंदर हमने दही और बेसन का यूज़ किया है। तो इसको ज़रूर ट्राई करिए, मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। तो ये हमारी टेस्टी सी, यूनिक सी ब्रेकफास्ट की रेसिपी। जब हम यूजुअल ब्रेकफास्ट खाते खाते बहुत ज्यादा बोर हो जाते हैं ना, तो फिर ऐसी रेसिपीज जो हैं हमें बहुत ज्यादा टेस्टी लगती हैं, बहुत ज्यादा फिलिंग भी है ये, और आपको बहुत अमेजिंग वेट लॉस देगी। और स्नेहश्री को तो बहुत ज्यादा पसंद थी, उसको मैंने बहुत ज्यादा दी है उसके ब्रेकफास्ट में। आप ये ले सकते हैं अपने ब्रेकफास्ट में। अगर आप ये नहीं लेना चाहते, आपको सुबह सुबह रोटी पराठा खाना पसंद है, तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी 7 पराठा की रेसिपीज हैं। 7 पराठा आप इसमें से बदल बदल कर कोई भी एक पराठा डेली अपने ब्रेकफास्ट में इंक्लूड कर सकते हो, आप बिल्कुल भी बोर नहीं होगे, और ये सारे के सारे पराठे आपको बहुत ज्यादा फुल रखेंगे पूरा दिन। तो ऐसे 1 या 2 पराठे आप ले सकते हैं, साथ में आप ले सकते हैं 1 कप डबल टोन मिल्क या फिर 1/2 कप कर्ड। क्योंकि स्नेहश्री को पीसीओडी था, इसलिए स्नेहश्री को मैंने हमेशा आमंड मिल्क ही दिया है। अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम नहीं है तो आप डबल टोन रेगुलर मिल्क ले सकते हैं या फिर कर्ड ले सकते हैं, या फिर अपनी फेवरेट चाय कॉफी भी ले सकते हैं, लेकिन आपने उसमें शुगर ऐड नहीं करनी। अगर आप पराठा नहीं खाना चाहते, आपके पास सुबह सुबह बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता, तो आप ले सकते हैं सैंडविच। मेरे चैनल पर 10 सैंडविचेस की रेसिपी है, इसमें से कोई भी एक सैंडविच आप अपने ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। मैंने स्नेहश्री को बहुत दिए हैं सैंडविचेस, और उसके बाद भी उनका बहुत अमेजिंग वेट लॉस हुआ है, तो आप ये ले सकते हैं अपने ब्रेकफास्ट में। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने मिड मॉर्निंग स्नैक की, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अपना मिड मॉर्निंग स्नैक लेते हो तो आप अपने लंच को ओवर ईट नहीं करते, अपने लंच तक आप फुल रहते हैं, और
मिड मॉर्निंग स्नैक में मैं हमेशा आपको एक फ्रूट देती हूँ जो एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल, विटामिन रिच होता है, और आपको दिन में एक फ्रूट जरूर लेना चाहिए, और वो फ्रूट ऐसा होना चाहिए जो आपके एरिया में लोकली अवेलेबल हो, सस्ता हो, सीजन का हो, फ्रेश हो। तो पाइनएप्पल्स आजकल बहुत अच्छे आ रहे हैं मार्केट में, आप पाइनएप्पल ले सकते हैं। अराउंड 150 to 200 ग्राम्स ऑफ पाइनएप्पल आप इस टाइम पे इंक्लूड कर सकते हो। अगर आप पाइनएप्पल नहीं लेना चाहते, आपके एरिया में इजिली अवेलेबल नहीं है, तो आप कोई भी सीजन का फ्रूट ले सकते हैं अराउंड 150 ग्राम्स के आसपास। स्नेहश्री को मैंने बहुत सारे फ्रूट्स दिए हैं बदल बदल कर, हमेशा सीजन के अकॉर्डिंग मैंने उसको फ्रूट्स दिए हैं, और आप भी इसी तरीके से अपने डाइट में इंक्लूड करना अराउंड 10-10:30 के आसपास। इसके बाद आ जाता है हमारा लंच, जो आपने 1 से 2 बजे के बीच में जरूर लेना है। मुझे मालूम है आप लोग बहुत ज्यादा बिजी रहते हो, स्नेहश्री भी बहुत बिजी रहती थी, लेकिन उसने प्रायोरिटी बनाया अपनी डाइट को, खुद को, अपनी हेल्थ को, इसीलिए वो टाइम निकाल लेती थी। तो कोशिश करना कि 10 से 15 मिनट अपने लंच के लिए जरूर निकाल लेना, अपने आप को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना। तो कोशिश करना है अपना लंच 1 to 2 के आसपास लेने का। बहुत ज्यादा जो मैंने स्नेहश्री को उसके लंच में दिया है वो है हमारी मूंग दाल करी। कैसे बनाना है उसको, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। एक पैन को मैंने हीट करने के लिए रख दिया है, उसमें मैं 1/2 कप होल मूंग स्प्राउटेड दाल ले रही हूँ। अगर आपके पास स्प्राउटेड दाल अवेलेबल नहीं है तो आप ओवरनाइट सोक दाल भी ले सकते हो। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 टमाटर जिसको मैंने बड़ा बड़ा चॉप कर लिया है, 1 अनियन यानी कि प्याज इसको भी मैंने बड़ा चॉप कर लिया है, 4 से 5 मैंने यहाँ पे गार्लिक क्लोव्स यानी कि लहसुन ले लिए हैं, इसको भी मैं डाल दूंगी पैन के अंदर, थोड़ा सा सॉल्ट यानी कि नमक डाल रही हूँ, थोड़ी सी हल्दी यानी टर्मरिक पाउडर, अराउंड 1 कप इसमें पानी डाल रही हूँ मैं। अब इसको एक लिड से हम कवर कर देंगे और दाल को बहुत अच्छे से हम कुक कर लेंगे। आप चाहें तो कुकर में भी इसको 2 विसल्स तक आप कुक कर सकते हैं। लिड हटाकर चेक कर लेते हैं, दाल हमारी बहुत अच्छे से कुक हो गई है और हमारी वेजिटेबल्स भी कुक हो गई हैं। अब हम अपनी मूंग की करी यानी कि उसका तड़का प्रिपेयर कर लेते हैं। एक पैन ले लिया है, उसको हीट कर लिया है, 1 स्पून इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ, आप यहाँ पे देसी घी भी यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा जीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स डाल रही हूँ, थोड़ी सी यहाँ पे हींग यानी एसाफेटिडा डाल रही हूँ। जीरा हमारा कुक हो गया है, यहाँ पे ब्राउन हो गया है, इस टाइम पर इसमें मैं डाल रही हूँ 1 finely chopped onion यानी प्याज। प्याज को अच्छे से भून लेना है, कुक कर लेना है जब तक ये लाइट पिंक या फिर ट्रांसलूसेंट ना हो जाए। प्याज हमारा बहुत अच्छे से कुक हो गया है, अब इस टाइम पर हम यहाँ पे डाल देंगे थोड़ा सा जिंजर और गार्लिक यानी कि अदरक लहसुन फाइनली चॉप्ड। अब इसको भी हम थोड़ा सा कुक कर लेंगे ताकि इसका रॉ टेस्ट चला जाए। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी यानी टर्मरिक पाउडर, इसको हम मिक्स कर देंगे, थोड़ा कुक कर लेंगे, थोड़ा सा इसमें रेड चिली पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा यहाँ पे मैं गरम मसाला डाल रही हूँ, थोड़ा सा चाट मसाला डाल रही हूँ, आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्ट भी डाल सकते हैं। दाल कुक करते वक्त मैंने सॉल्ट डाल दिया था इसलिए मैं यहाँ पे सॉल्ट नहीं डाल रही हूँ। अब इन सभी स्पाइसेस को हम अच्छे से कुक कर लेंगे। अब अराउंड 2 टेबल स्पून मैं यहाँ पे घर की जमी हुई दही यानी लो फैट कर्ड डाल रही हूँ। अब इसको हम मिक्स कर देंगे सारे स्पाइसेस और प्याज के साथ। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम दही डाल रहे हैं उस वक्त पे हमारी जो हीट है वो लो टू मीडियम ही रहेगी, बहुत ज्यादा हाई हीट पर आप दही ना डालें। अब ये हमारी करी प्रिपेयर हो चुकी है, मसाले बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं, यहाँ पे मैं अपनी कुक्ड दाल डाल रही हूँ। बिल्कुल थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल देंगे, थोड़ा सा इसके अंदर धनिया पत्ता यानी कि कोरिएंडर लीव्स डाल रही हूँ मैं। अब इन सब चीजों को बहुत अच्छे से हम मिक्स कर देंगे, पैन को लिड से हम कवर कर देंगे और दाल को हम कुक होने देंगे 5 मिनट्स के लिए। 5 मिनट्स हो गए हैं, लिड हटाकर हम चेक कर लेते हैं। मूंग करी हमारी बहुत अच्छे से कुक हो गई है और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और ये देखने में भी देखिए कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। इसको सर्व कर देते हैं हम, थोड़ा सा इसमें ऊपर से भी मैंने धनिया यानी कि कोरिएंडर लीव्स डाले हैं और ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है, ट्रस्ट मी, आप इसको जरूर ट्राई करिए। तो ये हमारी डिफरेंट सी, क्विक सी, टेस्टी सी, हाई प्रोटीन हाई फाइबर रेसिपी। अगर आप इसमें स्प्राउटेड दाल यूज करते हैं तो ये और भी ज्यादा न्यूट्रिशियस हो जाती है, इसके अंदर फाइबर और विटामिन्स की क्वांटिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है, ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगने वाली है, बहुत ही ज्यादा फिलिंग है, प्रोटीन रिच है। तो ये हमारी टेस्टी सी मूंग दाल करी, आप खाएंगे ना तो बहुत पसंद आएगी आपको। हमेशा दाल को जरूर इंक्लूड करना अपने वेट लॉस के टाइम पे क्योंकि प्रोटीन रिच होती है, लेकिन बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, तो कोशिश करनी है कि दाल को मॉडरेशन में ही अपने डाइट में इंक्लूड करना है। बहुत ज्यादा दाल अगर आप इंक्लूड करोगे अपने डाइट में तो वो आपको वेट गेन भी करवा सकती है। तो आपने एक छोटा बोल मूंग दाल करी अपने लंच में लेना है,
उसके साथ खूब सारा सैलेड खाना है जो आपको बहुत अच्छे से फुल कर देगा, जिसके अंदर आपने सॉल्ट नहीं डालना। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो मेरे चैनल पर 7 दाल की रेसिपी है, आप ये ले सकते हैं। या आप ले सकते हैं दाल ढोकली, जिसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, आपको बहुत ज्यादा टेस्टी लगेगी और बहुत ज्यादा फिलिंग भी है। अगर आपको इस टाइम पर भूख थोड़ी सी ज्यादा है तो आप 1/4 कप इंस्टेंट ओट्स को बॉईल करके दाल के साथ ले सकते हैं। आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि आप दाल राइस खा रहे हैं, और आपके वेट लॉस के लिए भी बहुत ज्यादा अमेजिंग है, फाइबर रिच है। और ओट्स तो आपको पता ही है बहुत ही ज्यादा हेल्दी और प्रोटीन रिच होते हैं। लेकिन आपने जरूर ध्यान रखना है कि लंच के टाइम पे आपने खूब सारा सैलेड जरूर खाना है, और कोशिश करिए कि पहले आप अपना सैलेड खाइए और उसके बाद आप अपना लंच खाइए। लेकिन लंच आपने 1 से 2 बजे के बीच में ही लेना है। इसके बाद आ जाती है हमारे इवनिंग स्नैक की बारी। इवनिंग के टाइम पर अगर आप एक छोटा सा स्नैक इंक्लूड करेंगे ना, तो डिनर को ओवरईट नहीं करेंगे। डिनर तक बहुत ज्यादा भूख आपको नहीं लगी होगी, और फिर आपको जंक की क्रेविंग्स भी नहीं होगी, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है ना, उनकी गड़बड़ जो है वो इवनिंग और नाइट में ही होती है। तो इसको अवॉइड करने के लिए अपना इवनिंग स्नैक जरूर लीजिए। इस टाइम पर मोस्टली मैंने स्नेहश्री को दिया था ग्रीन टी या फिर ब्लैक कॉफी। ग्रीन टी जो होती है वो एंटीऑक्सीडेंट रिच होती है, हमारे वेट लॉस में और बेली फैट को रिड्यूस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। इवन ब्लैक कॉफी अगर आप मॉडरेशन में लेते हैं ना, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है वेट लॉस में, और हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। तो इस टाइम पर आपने या तो ब्लैक कॉफी या फिर ग्रीन टी लेनी है 1 कप, और साथ में आपने हैंडफुल नट्स लेने हैं। आप मिक्स नट्स ले सकते हो, अपने चॉइस के कोई भी नट्स ले सकते हैं। कोशिश करिए कि नट्स को आप हमेशा सोक करके खाएं, क्योंकि जब भी आप नट्स को सोक करते हैं ना, तो उसके ऊपर से फाइटिक एसिड हट जाता है, और उसकी वजह से हमारे नट्स का न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होता है, उसकी हीट कम हो जाती है और बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए आप हमेशा अपने नट्स जो है वो सोक करके खाएं। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने डिनर की, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जब आपको वेट लॉस करना है और अपना वेट मेंटेन करना है। तब भी कोशिश करिए कि अपना डिनर आप 7 बजे के पहले खत्म कर दें। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस के साथ आपको बोल रही हूँ। जब मैं अपना वेट लॉस कर रही थी और मैं अपना डिनर लेट करती थी, नेक्स्ट डे मेरा वेट हमेशा बढ़ा हुआ आता था। लेकिन जब भी मैं अपना डिनर टाइम पर करती थी ना, तो मेरा वेट लॉस जो है वो बहुत अच्छा होता था। तो इसीलिए मैं आप सब लोगों को एडवाइस करूंगी कि हमेशा अपना डिनर टाइम पर करें, और कोशिश करें कि आप 7 बजे से पहले अपना डिनर खत्म कर लें। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हम वर्किंग हैं तो हम कैसे अपना डिनर 7 बजे खत्म करें। तो मैं हमेशा आपको बोलूंगी कि आप अपना डिनर कैरी करके अपने साथ ले जाएं, और अगर पॉसिबल नहीं है तो कोशिश करिए कि अपना डिनर आप मॉर्निंग में ही बनाकर जाएं, फ्रिज में रखकर जाएं, और आकर आप उसे वार्म करके खा लें। एटलीस्ट जब तक आप अपना वेट लॉस कर रहे हो, तब तक आप कोशिश करिए कि 7 बजे के पहले अपना डिनर खत्म कर लें, क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा फास्ट वेट लॉस करने में। तो डिनर में मोस्टली जो मैंने स्नेहश्री को दिया है वो है हमारी मिक्स वेज। कैसे बनाना है उसको, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। इतनी सुपर डिलिशियस मिक्स वेज करी बना रहे हैं हम। सबसे पहले मैंने एक पैन को हीट कर लिया है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 स्पून ऑयल, सिर्फ इतना ही डालना है हमें। अब इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा जीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स। अब इसके अंदर हम डाल देंगे चॉप्ड ग्रीन चिलीज यानी कि हरी मिर्च, चॉप्ड जिंजर यानी कि अदरक, चॉप्ड गार्लिक यानी कि लहसुन, इसको भी डाल देंगे पैन के अंदर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर यानी कि रेड चिली पाउडर। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे, थोड़ा सॉटे कर लेंगे, थोड़ा सा कुक कर देंगे, और ये हमें बिल्कुल लो या मीडियम फ्लेम पे करना है ताकि ये जले नहीं। अब इसके अंदर हम डाल देंगे चॉप्ड अनियन, लेकिन अगर आप अनियन गार्लिक नहीं खाते तो आप इसके अंदर से इसको स्किप कर सकते हैं बहुत ईजिली। अब अनियन को सारी चीज़ों के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे, थोड़ा कुक कर देंगे हम इसको। ये मैंने अराउंड 8 to 10 काजू यानी कि कैशू नट्स को 1 घंटे के लिए थोड़ा गर्म पानी में सोक करके रख दिया था। अब इसको हम पैन के अंदर डाल देंगे, पानी नहीं डालना है, सिर्फ कैशू नट्स डालेंगे हम पैन के अंदर। अब इनको भी सारी चीज़ों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सॉटे कर लेंगे हम। ये मैंने ले लिया है डेसिकेटेड कोकोनट। आप यहाँ पे फ्रेश कोकोनट यानी कि नारियल भी ले सकते हैं, जिसको आप ग्रेट करके इसमें डाल सकते हैं। अराउंड 2 स्पून्स मैंने डाल दिया है पैन में। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों के साथ। अब ये मैंने ले लिया है चॉप टमाटो, इसको भी डाल देंगे पैन में। इसको भी हम बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे और बहुत अच्छे से कुक कर लेंगे।
इस वक्त पर हम इसमें सॉल्ट डाल देंगे, थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि हमारे जो टमाटोज हैं वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं, कुक हो जाएं। अब एक लिड से इसको कवर कर देंगे और इसको कुक होने देंगे हम। अराउंड 10 मिनट्स हो गए हैं, चेक कर लेते हैं। सब चीज़ें बहुत अच्छे से कुक हो गई हैं, बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, पल्पी हो गए हैं टमाटोज हमारे। अब हीट हम यहाँ पे ऑफ कर देंगे और इसको बहुत अच्छे से ठंडा होने देंगे। अब एक ब्लेंडर जार ले लेंगे हम और सारी चीज़ों को हमने ब्लेंडर जार में डाल देना है और इसको बहुत अच्छे से हम ग्राइंड कर लेंगे। अब इसकी लिड को हम क्लोज कर देंगे और इसको हम ब्लेंड कर देंगे। सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से ग्राइंड कर दिया है और ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल सी ग्रेवी बन गई है हमारी। अब वही सेम पैन हमने ले लेना है और उसको हमने हीट कर लिया है। अराउंड 1 स्पून इसके अंदर हम ऑयल डाल देंगे, बहुत ही थोड़ा सा। अब मैंने ले लिए यहाँ पे चॉप्ड कैरेट यानी कि गाजर, फ्रेंच बीन्स ले लिए हैं मैंने, इसको भी डाल दिया है पैन में। ये मैंने ले लिए हैं मटर यानी कि ग्रीन पीस, इसको भी डाल दिया है पैन में। अब मैंने यहाँ पे ले ली है फूल गोभी यानी कि कॉलीफ्लावर, इसको भी डाल दिया है पैन में। आपके पास घर पे जो भी सब्जियाँ अवेलेबल हैं आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ आपने आलू इसमें अवॉइड करना है। थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ मैं यहाँ पे, सॉल्ट। अब इन सारी सब्जियों को हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है, थोड़ा सा सॉटे करना है, थोड़ा कुक करना है। बहुत ज़्यादा हम इनको कुक नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा कुक करने से सारी सब्जियों के जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो हम इसको बहुत कम कुक करेंगे। और वैसे भी ये जो सब्जियाँ हैं ये थोड़ी क्रंची अच्छी लगती हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा हम इसको कुक नहीं करेंगे। बस थोड़ा सा सॉटे करना है, अच्छे से इन सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे आपस में। अब ये जो ग्रेवी हमने ब्लेंड करके रखी हुई है इसको डाल देंगे पैन के अंदर। सारी वेजिटेबल्स के साथ इसको हम मिक्स कर देंगे ताकि सारी की सारी सब्जियां ग्रेवी में कोट हो जाएं। तो हमारी मिक्स वेज करी बनके बिल्कुल रेडी है और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है, बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस लग रही है। बस इसको हम थोड़ी देर के लिए लिड से कवर करके कुक होने के लिए छोड़ देंगे, अराउंड 5 to 10 मिनट्स के लिए, बिल्कुल सिम या मीडियम फ्लेम के ऊपर। तो इसको मैं एक लिड से कवर कर रही हूँ। ये है हमारी सुपर गॉर्जियस, सुपर डिलिशियस, सुपर न्यूट्रिशियस मिक्स वेज करी जो अमेजिंग है फॉर वेट लॉस। तो ये है हमारी टेस्टी सी मिक्स वेज। आपने एक बड़ा बोल भर के इसको खाना है और कोशिश करना है इसमें आप 50 ग्राम्स टोफू यूज कर सकते हैं। अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसमें 50 ग्राम्स लो फैट पनीर भी यूज कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं खाना चाहते, आपका कुछ लाइट सा, कुछ गर्मा गर्म सा खाने का मन है, तो आप ले सकते हैं मेरे चैनल पर हॉट एंड सार सूप की रेसिपी है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। इसको आप जरूर ट्राई करिए, आपको बहुत पसंद आएगा। आप ये ले सकते हैं, इसके अंदर भी आप कोशिश करिए अराउंड 50 ग्राम्स टोफू आप जरूर यूज करिए। अगर आप ये नहीं खाना चाहते, आपको कोई क्विक सा ऑप्शन चाहिए, आप वर्किंग हो, आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता अपना डिनर बनाने के लिए, या फिर आप बहुत ज्यादा थक गए हो रात तक, आपका कुछ भी बनाने का मन नहीं है, तो मेरे चैनल पर ड्राई फ्रूट मिल्क है, आप इसको ले सकते हैं। अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो आप इसमें आमंड मिल्क का भी यूज कर सकते हो। तो ये आप ले सकते हैं अपने डिनर में, और अगर आपको भूख थोड़ी सी ज्यादा है तो आप एक छोटा बोल मखाने भी इसके साथ खा सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो मेरे चैनल पर चिकन की बहुत सारी रेसिपीज हैं, तो आप इस टाइम पर चिकन भी खा सकते हैं। अराउंड 150 ग्राम्स ऑफ चिकन आप इस टाइम पर खा सकते हैं। और एग्स की भी रेसिपी है, आप एग्स भी इंक्लूड कर सकते हो अपने डिनर में। लेकिन जैसे मैंने आपको लंच में कहा था कि अपने लंच से पहले आपको खूब सारा सैलेड खाना है, वैसे ही अपने डिनर के टाइम पे भी आपको खूब सारा सैलेड खाना है जिसमें आपने सॉल्ट नहीं डालना। और डिनर कोशिश करिए आप 7 बजे तक बिल्कुल अपना खत्म कर लीजिए। इसके बाद आ जाती है हमारी नाइट ड्रिंक की बारी। नाइट ड्रिंक में स्नेहश्री को जो मैंने मोस्टली दिया था वो है हमारी हर्बल टी। कैसे बनाना है इसको, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। हर्बल टी बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन को गैस पे रख दिया है। यहाँ पे डाल रही हूँ 1.5 गिलास पानी, उसमें मैं डाल रही हूँ जिंजर। अब इसमें मैं डाल दूंगी लेमन के स्लाइसेस, 2 पतले पतले से स्लाइसेस ले लिए लेमन के। अब यहाँ डाल रही हूँ 2 इलायची यानी कि कार्डमम। अब इसमें डाल रही हूँ पेपर कॉर्न्स थोड़े से यानी काली मिर्च। अब थोड़े से पुदीना के पत्ते यानी मिंट लीव्स। दैट्स इट, इसको मिक्स कर देंगे और इसको कवर कर देंगे और बॉयल आने देंगे जब तक ये पानी रिड्यूस होके 1 ग्लास तक ना रह जाए।
अब ये बॉईल हो गया है बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल है अपनी हर्बल टी बनाना, मगर इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं गाइस। गैस बंद करके इसको हम 5 मिनट्स तक लिड लगाकर रख देंगे, अब इसको हम सर्व कर देंगे। बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही फ्लेवरफुल है, मज़ा आ जाएगा आपको इसको पी के, बहुत ही रिलैक्सिंग होती है ये, और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जो भी इंग्रेडिएंट्स मैंने इसके अंदर डाले हैं वो सुपर्ब फैट कटिंग है, बहुत ही ज़्यादा इंच लॉस मिलेगा आपको इससे और सुपर वेट लॉस मिलेगा। तो कोशिश करनी है अराउंड 9-9:30 के आसपास आपने अपनी नाइट ड्रिंक ले लेनी है। नाइट ड्रिंक जो होगी वो आपको आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, और नेक्स्ट डे आपको जो है कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपको बहुत अच्छी नींद भी आएगी इसको पीने के बाद में। तो इसको आपने जरूर इंक्लूड करना है अराउंड 9-9:30 के आसपास, और ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी वेट लॉस में, फैट लॉस में, और बेली फैट को लूज करने में और इंच लॉस करने में भी। तो इसको आपने जरूर इंक्लूड करना है। तो ये है पूरा का पूरा वो डाइट प्लान जो स्नेहा श्री ने यूज किया अपना 50 kg वेट लॉस करने में। अगर इसको आप यूज करते हो पूरी सिंसेरिटी के साथ, और साथ ही साथ मेरे 5 golden rules आप इंक्लूड करते हो, तो आपको वेट लॉस करने से कोई भी नहीं रोक सकता। कोशिश करिए कि इस डाइट प्लान के साथ आप 30 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक जरूर इंक्लूड करिए, और कोई भी वर्कआउट या कोई भी एक्सरसाइज करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर ये डाइट प्लान, मेरे 5 golden rules और 30 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक अगर आप इंक्लूड करते हो, तो 100% आपका भी वेट लॉस होगा जैसे स्नेहश्री का हुआ है, और उतना ही इफेक्टिव होगा। तो ये सारी की सारी रेसिपीज मैंने आपको सिर्फ इसलिए बनाकर दिखाई हैं ताकि आप भी इनको यूज करो और बहुत इजीली अपना वेट लॉस कर सको, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि जब हम ओवरवेट होते हैं ना तो वो फीलिंग क्या होती है। तो उस फीलिंग से बाहर निकलिए, क्योंकि हम निकल सकते हैं, आप कर सकते हो, मैंने किया है, स्नेहश्री ने किया है, आप भी कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। तो अगर आज की मेरी वीडियो, मेरा ये डाइट प्लान आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, आपके लिए यूजफुल रहा हो, तो इसको थम्स अप जरूर देना, इसको जरूर लाइक करना, मेरी ये सारी की सारी रेसिपीज ट्राई करना, मेरा ये डाइट प्लान ट्राई करना, और अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले ना तो कमेंट करके जरूर बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा और बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ ये पॉसिबल है, और फिर वो भी अपनी हेल्थ इंप्रूव कर पाएंगे और अपना वेट लॉस कर पाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए जिनको आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो की जरूरत है, उन्हें वेट लॉस करना है, अपनी हेल्थ इंप्रूव करनी है, उनके साथ ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट से कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पर आती रहती हैं और बहुत सारी अमेजिंग रेसिपीज जो आपके वेट लॉस के लिए और हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं, ट्विटर पर हैं, तो वहां पर भी मुझे फटाफट से फॉलो कर लो, क्योंकि वहां पर भी मैं आपको बहुत सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन देती रहती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपनी अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल गाइस, बाय फॉर नाउ।